भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरिगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरिगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं वरिगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदया। ॐ ॐ ॐ ओपन योर आईज एंड डाउन योर हैंड्स रेडी फॉर प्रेयर जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज स्टार्ट। मालिक तेरे वंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे वंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे वंदे हम बड़ा कमजोर है आदमी अभी लाखों है इसमें कमी पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा तेरी कृपा से धरती थमी दिया तूने हमें जब जन्म तू ही झेलेगा हम सब के गम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा ये अंधेरा घना छा रहा तेरा इंसान घबरा रहा हो रहा बेखबर कुछ न आता नजर सुख का सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में वो दम जो अमावस को कर दे पूनम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे वंदे हम ऐसे हो हमारे करम नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे वंदे हम ओपन योर आईज एंड डाउन योर हैंड्स वंदे मातरम वंदे मातरम Yeah.
वरदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, रेडी फॉर थॉट? Today's thought is, education is most powerful weapon by which you can change your life. I repeat my thought, education is most powerful weapon by which you can change your life. Thank you and have a nice day. Now, here is a boy of class 10th who will sing a song of Surya Devta on the occasion of Chhat Puja.
हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम वर्चुअल असेंबली में इकट्ठा हुए हैं। वैसे तो जैसे नॉर्मल स्कूल जब होते थे हमारे, तो हम सब आके असेंबली में गेट टुगेदर करते थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब नॉर्मल गेट टुगेदर नहीं हो पाते, कोई बात नहीं, हम वर्चुअल असेंबली में भी गेट टुगेदर होते हैं, ठीक है। एंड थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन दिस वर्चुअल असेंबली, और इसका जो पार्ट आप बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, ठीक है। तो उस अब मैं बात करती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, या कुछ बातें करते हैं हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही आपकी स्टडी हो रही है, सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, नोटबुक भी चेकिंग हो रही है जैसे तैसे, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस चला हुआ है, बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, और जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं गेटिंग आवर मार्क्स। मार्क्स में कुछ बच्चे डाउन चले जाते हैं, क्या रीज़न है इसका, तो इसके कुछ स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि उन स्टेप्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो बच्चे, नॉर्मल क्लासेस में आप आते थे तो क्या करते थे कि हम आप इकट्ठे आते थे, तो हम आपको जान पाते थे, और बहुत सारे वे होते थे हमारे पास जिससे कि हम आपको असिस्ट कर पाते थे कि किस आपने कितना गेन किया या कितना नहीं किया जो हमने टीच किया आपको, ठीक है। लेकिन हम अब फेस टू फेस नहीं मिल पा रहे हैं, तो एक टीचर भी आपको उतना असिस्ट नहीं कर पा रहा है कि आप कितना गेन कर पा रहे हो या क्या और कर सके वो, ठीक है। तो मतलब उतनी अप्रोच नहीं हो पा रही जितने की फेस टू फेस क्लास में आपकी होती थी। तो इसके लिए बच्चे आप थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक्स बच्चे करते हैं वो अब आपको नहीं करनी है। एग्ज़ाम टाइम आने जा रहा है, तो आपको अभी सीरियस होके पढ़ाई करनी है। तो क्या करते हैं सबसे बच्चे, सबसे मेन पॉइंट में क्या करते हैं बच्चे कि हम काम कराया, ठीक है, आज कराया, कल कराया, परसों कराया, पूरे हफ्ते की अगर सैटरडे नोटबुक आपकी चेक होती हैं, तो आप कई बच्चे क्या करते हैं, फ्राइडे रात को बैठ के फटाफट काम कंप्लीट करते हैं और सैटरडे अपनी नोटबुक सबमिट करानी है, ये उनको डर रहता है और उसको फटाफट काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चे ऐसा ना करें, डेली का होमवर्क डेली करें, डेली का काम डेली अगर आप फिनिश करेंगे तो आपकी मेमोराइज भी ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होगी, और आपका काम है वो नीट एंड क्लीन भी रहेगा और अप टू डेट भी रहेंगे आप, आपका काम परफेक्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप हड़बड़ाहट में करते हैं, जैसे आप जल्दी जल्दी फ्राइडे का अगर सारा काम करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी रूटीन भी ख़राब हो जाती है, आपको कुछ समझ भी नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसलिए कोई बच्चा टाल मटोल नहीं करेगा, यानी कि आज का काम कल पे नहीं डालेगा, डेली का काम डेली आपको करना है, जिससे कि आपकी जो लर्निंग पावर है वो बढ़ जाती है, आप उसमें ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं। दूसरी बात है कि आपको लिखना होता है, लिखकर याद करना होता है। अब क्या होता है कि आपकी टीचर ने आपको लेसन पढ़ाया या कोई भी टॉपिक समझाया, ठीक है, उसकी फिर वीडियो भी शेयर करी, आपने सुन लिया, आपने कॉपी भी कर रखा है, वहाँ से भी पढ़ लिया, आपने लर्न कर लिया, तो आप श्योर हो जाते हो कि हाँ जी, हाँ मुझे आ गया, ठीक है। टेस्ट भी आपके अगर हम लेते हैं, तो उस एक्सरसाइज में से, उस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन ही आ पाते हैं, अदर क्वेश्चंस आपके फिर भी रह जाते हैं, और बाई चांस अगर आपने वो याद किया, वो आपका कुछ ठीक भी हो जाता है, ऐसा भी होता है बहुत सारे बच्चों के साथ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा लेसन अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो क्लासेस होती हैं आपकी, वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी में रहती हैं। अगर फर्स्ट क्लास में कुछ सीख रहे हो, वो सेकंड क्लास से कनेक्ट है, सेकंड क्लास में फिर जो सीखेंगे वो थर्ड क्लास से कनेक्ट होगा, इस तरीके से हर टॉपिक आपका क्लास वाइज कनेक्टिविटी में चलता है। इसीलिए ये सीरीज बनी हुई कि आपको पहले फर्स्ट करनी होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर, तो यानी कि उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, देन ही आप अच्छी क्लास में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आपका बेस है वो मजबूत बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करें और उसको याद करके लिख कर देखें। ये नहीं कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लर्न कर लिए, कुछ मेन क्वेश्चन लर्न कर लिए, तो बस वो एग्ज़ाम में आगे नहीं,
और वो लर्न कर लिए, उसको कैसे पता कि आपने उसको कम्प्लीटली लर्न कर लिया, तो उसको लिख कर आप देखेंगे। जो भी आप लर्न करते हैं उसको आप लिख कर देखेंगे। अब मैथ्स जैसा सब्जेक्ट अगर है आपके पास, मैथ सब्जेक्ट तो आपको बिना प्रैक्टिस कर ही नहीं पाओगे, उसकी तो बहुत सारी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है, ठीक है, एक बार करने से नहीं होगा, उसको बार बार प्रैक्टिस करके देखिए, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट को भी आप लिख कर देखें कि आपको कितना मेमोराइज हुआ, कितना आपने याद किया है, और जस्ट उसी टाइम भी आप ना लिख के देखें, थोड़ा गैप देकर, ठीक है, कि आपके जो कितना आपके स्टोर रहा है, उसी टाइम आप लर्न करते हैं, उसी टाइम आपने लिख के देखा में भी आप सही अपने आप को एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उसका थोड़ा गैप देकर आप उसको लिख कर देखें कि आपके माइंड में कितनी देर वो स्टे रहता है और कितना स्टे रहता है। तो ये बेस्ट वे है आपको प्रिपेयर करने का, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब कोरोना टाइम है तो ये बच्चे आपको खुद घर पे अपने आप में करके देखना पड़ेगा, और इतने दिन पीछे अगर किसी बच्चे ने लापरवाही भी की है तो भी वो अगर इन स्टेप्स को फॉलो करता है बच्चा, तो इन लास्ट फाइनल जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अच्छा परफॉर्म वो कर लेता है। उसके बाद आता है आपके कि इग्नोरेंस, इग्नोरेंस नहीं करनी है। कई बच्चे कहते हैं ये चैप्टर मुझे आता है, ये इतना अच्छा, हिंदी मुझे आती है, इंग्लिश मुझे आती है, साइंस में मुझे थोड़ा डर लगता है, मैथ मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ना तो आपको किसी सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत है और ना ही किसी सब्जेक्ट को लाइट लेने की ज़रूरत है, यानी कि उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है। आप हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज दे के चलेंगे और इक्वली ले के चलना है, ठीक है। जो हार्ड लग रहा है उसको भी आप इंटरेस्ट से पढ़िए, और जो इजी लग रहा है उसको भी आप इंटरेस्ट से पढ़िए, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता, ना कोई ज़्यादा इजी होता है, सारे इक्वल होते हैं, बस आपको मन से लगन से उसको पढ़ने की ज़रूरत है और अपने टीचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। अगर आप अपने टीचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि उस सब्जेक्ट में आप अच्छा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट के टीचर के साथ अच्छे से कनेक्ट होइए, दिल से कनेक्ट होइए, सो दैट कि आप हर सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएं। उसके बाद है कि अंडर एस्टिमेट ना करें किसी चीज़ को। मतलब हम क्या करते हैं कि पता होता है कोई भी सिलेबस, चाहे बोर्ड क्लासेस ले लीजिए या नॉर्मल क्लासेस आप ले लीजिए, तो हमें पता होता है कि जो सिलेबस होता है उसका 70% पार्ट ऐसा होता है कि टीचर भी मोस्टली वहीं से देते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में भी वहीं से आता है, ठीक है। तो ये नहीं कि हमें जो 70% या 80% जिस बात का पता है कि इन्हीं लेसनों में से या यही क्वेश्चंस आते हैं, हम उन्हीं को उठा के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें पूरा लेसन कम्प्लीटली पढ़ना है और कम्प्लीटली उसको अंडरस्टैंड भी करना है, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिसको फॉलो करके आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये पेंडेमिक टाइम है कोरोना का, तो इसमें मैं प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखिए। आपके टीचर जो वीडियो आपको शेयर करते हैं उसको कंप्लीट वॉच कीजिए, और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको टाइम पे करिए। और यही कुछ स्टेप्स का अगर आप नॉर्मली कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर कहने को बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ जो नॉर्मल टीचर डेली कराता है, उसको आप उसी दिन कर लीजिए, अपने काम को टाइम पे करिए, बस इसी से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे क्या करते हैं, उसको कल करेंगे, परसों करेंगे, नर्सों करेंगे पे टाल देते हैं, और जिससे कि उनकी जो कुछ मैडम ने क्लास में समझाया था वो भी भूल जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, मैं दोबारा कह रही हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करती हूँ, समझा दे और प्यार से, और आपको छोटे हैं तो आदेश भी दे सकते हैं हम, तो प्यारे बच्चे प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू। रेडी फॉर नेशनल एंथम, टेक योर पोजीशन, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा
द्राविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जयो गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जया जय